हेलो दोस्तों, ये 17 इंची पिक्चर ट्यूब का पिन होता है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों ये मार्केट सैनियर चैसिस होता है, सिंगल फोकस पिन वाला बेस। तो दोस्तों ये बेस बोर्ड ये पिक्चर ट्यूब पर कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर ये वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो में और एक भी ट्रिक बता देगा, और भी दोस्तों करके देखाऊंगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये नॉर्मल पीसीबी का सिंगल फोकस पिन वाला बेस होता है। तो ये बेस ये जो पिक्चर ट्यूब होता है, इस पर मैं लगा के प्रैक्टिकली देखाऊंगा। तो दोस्तों पहले ये जो पिक्चर ट्यूब का पिन का साथ जो प्लास्टिक वाला बेस होता है, ये पहले ओपन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओपन करने का बाद दोस्तों देखिए, ये जो फोकस जो दो पिन होता है, इसका दोनों साइड जो कवर होता है उसको काट लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं ये काट कर दिखा देता हूँ किस तरह आप ये काट करके रेडी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं ये दो फोकस जो पिन होते हैं या इसका दो साइड जो कवर होते हैं, मैं काट कर दिया है। तो दोस्तों ये एक साइड मैं रख देता हूँ, बाद में लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पिन होता है, दो फोकस वाला पिन होता है, इसको दो पिन को जॉइन कर दीजिए एक छोटा वाला वायर लेके। तो मैं जॉइन कर देता हूँ, तो दोस्तों इस तरह जॉइन कर दीजिए। तो दोस्तों आप चाहे तो ये पिन को और भी अच्छा करके जॉइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब लोग देख लीजिए मैं किस तरह जॉइन कर देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं जॉइन कर दिया है, और इस पर आप रंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं रंग कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा वायर वो मैं कट कर देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, ये वीडियो मैं डायरेक्ट ही देखाता हूँ, तो इसलिए स्किप मत करें दोस्तों। तो दोस्तों उसका बाद जो ये जो प्लास्टिक बेस होता है जो पहले से ही था, वो मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, वो जिस तरह था वो सेम ही मैं लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद दोस्तों जो नया वाला किट होता है, जो मार्केट सैनियर पीसीबी जो सैनियर चेसिस होता है, जो चाइना किट कहते हैं, वो मैं नॉर्मली लगा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, मैं वो सीधा करके मैं लगा दिया। तो दोस्तों ये बेस बोर्ड तो मैं लगा दिया है, और दोस्तों उसका बाद जो पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव वायर होता है, वो ध्यान से और जो बेस बोर्ड होता है उस पर लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसका बाद जो काम करना पड़ेगा, जो एसटी का कैप होता है, जो फाइनल एनोड होता है, वो पिक्चर ट्यूब पर लगा दीजिए। मैं पहले वो थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। साफ करने का बाद ये जो फाइनल एनोड एसटी का मैं लगा दिया, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद जो नया बोर्ड होता है, वो हॉरिजॉन्टल का जो आउटपुट जो पिन होता है, वो नीचे वाला जो पिन होता है उस पर लगा दिया। और जो वर्टिकल कनेक्टर और हॉरिजॉन्टल का कनेक्टर होता है, जो योक कॉइल का कनेक्शन होता है, वो मैं सिंपली लगा दिया है। और उसका बाद दोस्तों ये तो बोर्ड टेस्ट पहले करूँगा, उसका बाद ही
बैक कवर रेडी करूँगा। तो इसलिए जो पैनल सेंसर होता है, पहले सेंसर जो पिन जो इंडिकेटर बोर्ड होता है वो मैं कनेक्ट कर दिया है। उसका बाद दोस्तों जो पैनल बोर्ड होता है वो सेंसर पिन का पास होता है, वो मैं पैनल बोर्ड कनेक्ट कर दिया। और दोस्तों मैं अभी साउंड भी ओपन करके रखा है, डिगोसिंग फाइल ओपन करके रखा है, वो भी अभी कनेक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो एसी सप्लाई होता है वो भी देना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक एसी आर्ट लेके जो एसी कनेक्टर होता है उस पर कनेक्शन काट देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, मैं एसी का एक एसी जो कॉर्ड होता है वो देखिए एसी पिन पर कनेक्ट कर दिया, जो एसी सप्लाई होता है जो पीसीबी बोर्ड पर जाएगा मैं कनेक्ट कर दिया, तो अभी ये कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आइए इसका बाद मैं पीसीबी बोर्ड पर सप्लाई देके दिखाऊंगा क्या ये होता है कि नहीं होता है, एक बार देख लीजिए। दोस्तों देखिए वीडियो में डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये काम मैं पहले से बहुत किया है, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये ओके हो गया है। तो दोस्तों मैं एसी सप्लाई दिया है, देखिए इंडिकेटर जल रहा है। तो दोस्तों इसका बाद जो पिक्चर ट्यूब देखिए ये लाइट ओके हो गया। तो ये तो एक ट्रिक हो गया। तो दोस्तों इस तरह करने के बाद जो 17 इंची वाला मॉनिटर होता है इस पर एक प्रॉब्लम देखा जाता है नॉर्मली। जो प्रॉब्लम दोस्तों दोनों साइड बड़ा हो जाता है और हाइट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो हाइट होता है वो जो एडजस्ट करने के लिए सर्विस मोड ओपन करके वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों तो सर्विस मोड ओपन करना पड़ेगा। तो इसका सर्विस मोड क्या है देखिए, ये एक रिमोट होता है, इसका एक छेद देखा जाता है कि वो पिन सर्विस की होता है। देखिए दोनों साइड बड़ा हो जाता है, बड़ा हो गया है। तो पहले तो ये एक बार ठीक करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सर्विस की होता है, तो आइए ये सर्विस मैं सेट करने का पहले जो मेन प्रॉब्लम और एक भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर मैं क्लियर कर देगा। देखिए ये जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड जो पिक्चर ये बहुत ही बड़ा देखा जाता है, तो ये सॉल्व करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक पुराना वाला सीआरटी मॉनिटर का बोर्ड होता है। तो ये जो सीआरटी पुराना वाला सीआरटी का जो बोर्ड होता है, तो देखिए इस पर दो कॉइल मिलता है। देखिए दोस्तों ये दो कॉइल होता है, तो ये स्क्वायर वाला कॉइल देखा जाता है, कभी कभी राउंड फिगर वाला कॉइल देखा जाता है। तो इसका जब भी डिजाइन हो ये दो पिन होता है, और ये जो आउटपुट हॉरिजॉन्टल का जो आउटपुट सेक्शन होता है उसका पास ही रहता है। तो दोस्तों एक कॉइल में ओपन कर लिया है, और भी पीसीबी से और एक कॉइल ओपन करके देखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए इसमें जो इधर वाला एक पिन होता है, और दोस्तों इधर वाला और एक भी पिन होता है, ये दो पिन पर कनेक्शन है, और जो अलग अलग पिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो सपोर्ट पिन होता है। तो दोस्तों ये कॉइल मैं कनेक्शन करके देखाऊंगा, और भी दोस्तों और एक भी कॉइल दिख लीजिए, ये दोनों कॉइल सेम देखा जाता है। कोई भी एक कॉइल लेके दोस्तों मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए ये जो कॉइल, ये कॉइल, ये जो योक कॉइल होता है पिक्चर ट्यूब का, ये देखिए ये ब्लू वाला और रेड वाला जो पिन होता है, पहले ये रेड पिन को ओपन कर दीजिए योक कॉइल से, ठीक है दोस्तों। ये मैं जो रेड वायर होता है हॉरिजॉन्टल जो सप्लाई पीसीबी बोर्ड से जाता है, ये मैं अलग कर देता हूँ, ये पहले अलग करना पड़ेगा। इसका बाद मैं क्या करता हूँ देख लीजिए। तो दोस्तों ये वायर मैं अलग कर दिया, और जो कॉइल मैं पीसीबी पुराना वाला सीआरटी मॉनिटर पीसीबी बोर्ड से
बाहर करके रखा है, वो कॉइल का एक पिन, वो कॉइल का एक पिन, कोई भी एक पिन, ये योक कॉइल का जो पिन होता है, जिस पिन पर रेड वायर कनेक्शन था उस पिन पर कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ये पहला काम। और जो रेड वायर वाला जो कनेक्शन होता है वो कॉइल का और एक भी जो पिन था उस पर इस तरह कनेक्शन कर दीजिए। और ये अच्छे से कनेक्शन करना पड़ेगा कि ये कॉइल बहुत हीट होता है टीवी चलने के बाद, तो इसलिए वो वायर को ठीक से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये कनेक्शन दे दिया है, फिर भी मैं लाइन देके दिखा देता हूँ क्या फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों मैं पीसीबी बोर्ड पर लाइन दे दिया है और दोस्तों देखिए जो कंपनी का लोगो ये एडजस्ट हो गया। दोस्तों एक बार ठीक से देख लीजिए, ये एडजस्ट हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद ये वीडियो में और एक भी प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो प्रॉब्लम होता है कि हाइटलेस प्रॉब्लम, ये नया बोर्ड जब कनेक्ट करे तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही देखा जाता है। तो इसलिए दोस्तों जो पीसीबी होता है इसका सर्विस मोड ओपन करके ये एडजस्ट कर दीजिए। मेरा चैनल पर सर्विस मोड नंबर का ऊपर एक भी वीडियो है, उस पर बहुत कुछ सर्विस मोड का वीडियो सर्विस मोड नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों जस्ट मैं ये जो टीवी होता है, ये जो पीसी होता है, इसका जो सर्विस मोड होता है, ये सर्विस मोड का जो हाइट जो ऑप्शन होता है, वी साइज जो ऑप्शन, वो मैं एक बार एडजस्ट करके, नॉर्मली एडजस्ट करके देखा देता हूँ। तो दोस्तों कोई भी टीवी का सर्विस मोड नंबर चाहिए तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो भी एक बार देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसका अंदर एक लिंक दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए मैं सर्विस मोड जो भी साइज होता है वो मैं 12 दे के दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो सर्विस, ऐसे अप डाउन और ऊपर और नीचे से जो हाइट, ये एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये सर्विस मोड एडजस्ट, नॉर्मली एडजस्ट कर दिया। तो दोस्तों इस पर बहुत कुछ ऑप्शन है, तो जो लेफ्ट राइट दो साइड होता है छोटा बड़ा, वो हल्का सा एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और भी दोस्तों और एक भी प्रॉब्लम होता है, तो आइए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों मैं जो एक छोटा वाला कॉइल लगाया, वो कॉइल लगाने के बाद दोस्तों एडजस्ट नहीं होगा, तो और एक भी कॉइल हॉरिजॉन्टल का जो और एक वायर होता है ब्लू वाला, वो साइड पर आप लगा सकते हो। तो दोस्तों उसका बाद भी जो दोनों साइड एडजस्ट नहीं होगा, तो दोस्तों ये जो कॉइल का एक पिन होता है, यहाँ से एक तार ओपन करके वो थोड़ा सा टर्न कम बेसी करके एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये कॉइल का एक पिन तार ओपन करके वो थोड़ा सा कम बेसी करके एडजस्ट कर दीजिए, तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश मैं बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं टीवी को जो लाइन में ओपन कर दिया है, और लास्ट मैं और एक बार भी देखा देता हूँ। दोस्तों देखिए ये नॉर्मल सीआरटी जो चाइना चैसिस होता है, इसका बेस सिंगल पिन फोकस पिन वाला बेस होता है, ये मैं जो 17 इंची वाला जो पिक्चर ट्यूब होता है उसका जो दो फोकस पिन होता है उस पर मैं लगा के कनेक्ट कर दिया है।